नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष मौर्य। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आशीष मौर्य गुड्डू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास यह महिंद्रा स्कॉर्पियो आया हुआ है। दोस्तों, इसका जो आगे का फ्रंट सस्पेंशन क्वाल स्प्रिंग है वही टूटा हुआ है, तो आज की वीडियो में देखेंगे कि कैसे स्प्रिंग को बदला जाता है और कौन सा स्प्रिंग हमने लगाया है। तो यहाँ हमने व्हील को खोला हुआ है, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, इसका कॉइल स्प्रिंग लगा हुआ है। यही स्प्रिंग नीचे से टूट गया है, इसी को हमें बदलना है। दोस्तों, इस स्प्रिंग को बदलना बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा बहुत भी काम जानते हैं तो इसे अपने से बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले इस साकर के नट को खोलेंगे और यहाँ स्टेबलाइजर एंड के नट को खोलेंगे और यहाँ इस आर्म के नट को खोलेंगे। बस हमें तीन नट को खोलना है, तो यहाँ जल्दी से हम नट को खोल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक जैक लगेगा और हमें चेचिस पे लॉक लगाना है, क्योंकि सस्पेंशन डाउन करने के लिए हमें चेचिस पे लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम ऐसे चेचिस पे लॉक लगा देंगे। और उसके बाद इस साकर के नट को खोलेंगे। तो यह आप देख सकते हैं, हमने साकर के नट को खोल लिया है और स्टेबलाइजर एंड के भी नट को खोल लिया है। अब हमें यहाँ इस अपर आर्म के नट को खोलना है, तो इसे भी हम जल्दी से खोल लेते हैं। और यहाँ चोट देने से ये आर्म निकल जाएगा, तो यहाँ ऐसे ये आर्म निकल गया। अब यहाँ हमने चेचिस पे लॉक लगाया हुआ है, अब इस जैक को हम डाउन करेंगे। जब हम जैक को डाउन करेंगे तो पूरा सस्पेंशन हमारा नीचे आएगा। यहाँ जैक को डाउन करके हम जैक को बाहर निकाल लेंगे, तो ये हमारा जैक पूरा डाउन हो चुका है, अब इसे हम बाहर निकाल देंगे। तो ये जैक निकल गया, अब सस्पेंशन को हम नीचे दबाएंगे। तो यहाँ ऐसे हम साकर को दबाएंगे और ऐसे हमारा ये कॉइल स्प्रिंग निकल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्प्रिंग टूटा हुआ है, ये नीचे से टूट गया है। दोस्तों, इसमें हम महिंद्रा का जेन्युइन क्वाइल स्प्रिंग डाल रहे हैं। दोस्तों, इसकी MRP 2357 रुपये है। खोला, तो इसे हम जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये महिंद्रा का जेन्युइन क्वाइल स्प्रिंग है, तो इसे हम लगाएंगे। तो दोस्तों, इसे लगाना भी बहुत ही आसान है। तो यहाँ स्प्रिंग को हम ऐसे लगाएंगे और हमें एक बात ध्यान देना है कि स्प्रिंग को हमें यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो होल आपको दिख रहा है, इसी होल के पास हमें स्प्रिंग को रखना है, ऐसे इतना पर हम स्प्रिंग को लगा देंगे। अब यहाँ ऊपर वाले चेचिस में हम स्प्रिंग को बैठा देंगे, तो ये बहुत ही आसानी से ये चेचिस पे बैठ जाएगा। तो ऐसे स्प्रिंग को हम बैठा लेंगे, थोड़ा सस्पेंशन को नीचे करेंगे और ये स्प्रिंग बहुत ही आसानी से बैठ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, क्वाइल स्प्रिंग हमारा ऊपर बैठ गया है। चलो, अब हम जैक लगाएंगे और पूरे सस्पेंशन को ऊपर करेंगे। तो यहाँ ऐसे हमें जैक को लगा लेना है। तो जब हम जैक को ऊपर करेंगे तो ये हमारा स्प्रिंग बैठता चला जाएगा। तो दोस्तों, जैक को हमने उठा लिया है, तो अब हम इसके साकर को लगाएंगे, स्टेबलाइजर एंड को लगाएंगे और यहाँ ऊपर आर्म को भी हम टाइट करेंगे। तो यहाँ साकर को हम ऐसे ऊपर करेंगे
तो ये आप देख सकते हैं साकर को भी लगाना बहुत ही आसान है। यहाँ इसके रबड़ बूस को लगाने के बाद इसको हम टाइट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हमने साकर को, स्टेबलाइजर एंड को और अपर आर्म को भी अच्छे से टाइट कर लिया है। तो दोस्तों ऐसे हमारा सस्पेंशन कॉइल स्प्रिंग लग गया है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।